नमस्कार। कहानी टाइम में आज एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी भी और कुछ सोचने पर भी मजबूर कर देगी। आमतौर पर जो पिता हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं वो अटेंशन काफ़ी चाहते हैं और जाहिर तौर पर वो बार बार छोटी छोटी चीज़ें लेके आते रहते हैं, बहाने लेके आते रहते हैं। तो एक पिता अपना काम कर रहे थे ऑफिस का बैठ के, और वो काम करते करते अब उनका जो बेटा है वो कोई ना कोई चीज लेके आए, पापा मैंने ये किया, पापा मैंने ये किया। हाँ बेटा, अच्छा किया आपने, ऐसा किया, अब एक काम करो, ये कर लो। दो मिनट तीन मिनट बीतते होंगे, फिर आए, पापा ये नहीं हो रहा, पापा ये नहीं हो रहा। अब पापा बड़े परेशान, अभी तो काम दिया था, काम हो तो भी लेके आ जाए, नहीं ले हो तो भी लेके आ जाए। अब अटेंशन कैसे बने, ध्यान कैसे दे काम के ऊपर। तो उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, दाएं देखा बाएं देखा, पुराने खिलौने तो काम कर नहीं रहे थे। तो उन्हें एक सामने एक पेज दिखा जिस पे वर्ल्ड का मैप बना हुआ था, पुराना कोई पेज पड़ा था। उन्होंने उसको 5-7 टुकड़े करे और कहा बेटे को, बेटा एक काम करो, आप जाओ इसको ना जोड़ के लाओ, ये वर्ल्ड मैप है, अगर आप जोड़ लाए मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बेटा खुश, काम मिल गया, उसका ध्यान भी वहां लगना था। अब पिता को लगा कि यार इतने टुकड़े मैंने कर दिए मैप के, अब तो जुड़ना मुश्किल है, अब जब आएगा तब तक मैं काम कर लूंगा। तो 5 मिनट बीते होंगे, बेटा वापस, पापा मैंने जोड़ लिया, पापा मैंने जोड़ लिया, मेरा इनाम मेरा इनाम। अब इनाम देने की बात पे इतना झटका नहीं लगा, इतना झटका इस बात पे लगा कि बेटे ने वो जोड़ लिया, उस पेज के जो इतने टुकड़े उन्होंने कर दिए थे, वर्ल्ड मैप इतना छोटा बच्चा कैसे समझेगा, और सब जोड़ के ले आया। अब वो बड़े परेशान, फिर उन्होंने बच्चे से पूछा, अरे वाह बेटा ये तो कमाल हो गया, यू आर ए जीनियस, मुझे मालूम नहीं था आपके अंदर इतनी प्रतिभा है। हालांकि प्रतिभा क्या समझेगा बच्चा, इतना जीनियन क्या समझेगा, जीनियस वीनियस। हाँ, वो चौंक गए एकदम, बेटा कैसे किया तुमने ये। पापा पापा आपने जो पेज दिया था ना उसके पीछे कार्टून बना हुआ था, हैं वो कार्टून देखा मैंने, कार्टून मिला है, कार्टून जोड़ लिया, भले आया। अब उन्होंने पीछे देखा, वाकई में पेज की एक तरफ मैप था और दूसरी तरफ कार्टून बना हुआ था। तब उन्हें एक बड़ी अहम बात जिंदगी की समझ में आई, अक्सर समस्याएं जैसी होती हैं हम जैसा उन्हें देखते हैं, हम उन्हें बहुत बड़ी समस्या मान लेते हैं, मुश्किल मान लेते हैं, लगता है इसका कोई हल नहीं है। तो उन्हें समझ में आई जिंदगी की एक बहुत बड़ी बात, कई बार समस्याएं जैसी हम देखते हैं वैसी होती नहीं है, हम उन्हें बहुत मुश्किल मान लेते हैं, लगता है कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकती, तो सुलझ ही नहीं सकती, पहेली की तरह हो जाती है। लेकिन उसका कोई आसान समाधान भी होता है, कई बार वो समाधान जिसे बच्चे ने ढूंढ लिया, आपको नजरिया चेंज करना पड़ता है, किसी दूसरे एंगल से आपको सोचना पड़ता है। एक ही तरीके से एक ही समस्या को बार बार हल करेंगे तो वही आंसर आएगा, कई बार दूसरे तरीके से दूसरे नजरिए से समस्या को देखते हैं तो उसका समाधान भी अलग होता है और कई बार मजेदार भी होता है, जैसे इस घटना में हुआ। तो छोटी सी सीख जिंदगी की ये कि जिंदगी में समस्याओं को बहुत बड़ी मत मानिए, अलग अलग नजरिए से देखिए और देखिए कौन सा नजरिया इस समस्या को कितनी बेहतर तरीके से सुलझा सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दूसरों को सुनाइए। और हाँ, हमारा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि नई कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नमस्कार।